हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम RBSE क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेंडल के वंशागति के 3 नियम कौन कौन से हैं? मेंडल के वंशागति के 3 नियम कौन कौन से हैं? अथवा आनुवंशिकता के 3 नियम, आनुवंशिकता के 3 नियम कौन कौन से हैं लिखिए। आंसर, पहला तो है प्रभाविता का नियम। कौन सा है? प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तीसरा है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्वेश्चन नंबर 2। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रथम नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा आनुवंशिकता के प्रथम नियम को स्पष्ट कीजिए। अथवा वंशागति गति के प्रथम नियम को समझाइए। उत्तर, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण होता है, दोस्तों यहां पर एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की बात करिए, विपरीत लक्षण जैसे एक तो हो गया बड़ा टी और एक हो गया छोटा टी, उनके मध्य संकरण होता है तो F1 PG में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं तथा अप्रभावी गुण छिपा हुआ होता है, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दोस्तों, प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है इसके बारे में नीचे बताया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 PD के संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रभावी गुण दिखाई देता है तथा अप्रभावी गुण दिखाई नहीं देता है। जैसे शुद्ध लंबा पौधा यानी बड़ा DT, शुद्ध बोना पौधा यानी छोटा DT, इन दोनों के मध्य क्या हुआ? संकरण करवाया गया, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ? एक तो हुआ बड़ा टी और एक हुआ छोटा टी। इन्हें क्या कहते हैं अपन? इन्हें कहते हैं APD। इनसे क्या उत्पन्न होते हैं? संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक संकर संकरण पर मेंडल के कौन से 2 नियम आधारित हैं? दोस्तों, एक संकर संकरण पर मेंडल के 2 नियम आधारित हैं। पहला तो है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन नंबर 4। द्विसंकर संकरण पर मेंडल का कौन सा नियम आधारित है? अथवा मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? आंसर देखते हैं। मेंडल का तृतीय नियम या स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। द्विसंकर संकरण पर मेंडल का कौन सा नियम आधारित है? दोस्तों, द्विसंकर संकरण का मेंडल का तृतीय नियम या स्वतंत्र अपव्ययन का नियम आधारित है। मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? दोस्तों, मेंडल के तृतीय नियम या स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5। मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण थे?
वो निम्न है। पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप यानी मटर का पौधा का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। नंबर टू, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नंबर तीन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक एवं सांख्यिकी पूर्वक विश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्यायाम संकरण से आप क्या समझते हैं? व्यायाम संकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, व्यायाम संकरण। इस संकरण में F1PD के पादप, इस संकरण में F1PD के पादप बड़ा टी व छोटा टी का संकरण अपने प्रभावी जनक यानी DT से करवाया जाता है। इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं जिनमें 50% समयुग्मजी तथा 50% विषमयुग्मजी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? आंसर, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता। अगला क्वेश्चन, शुद्ध किस्म का क्या तात्पर्य है? आंसर, ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1PD से क्या तात्पर्य है? आंसर, दो शुद्ध जनकों के क्रॉस को संकरण तथा इससे उत्पन्न पीढ़ी या संतति को संकर या F1PD कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक संकर लक्षण प्ररूप का जीन प्ररूप अनुपात लिखिए। दोस्तों, एक संकर लक्षण का प्ररूप अनुपात 3:1 होता है, जबकि जीन प्ररूप अनुपात 1:2 और 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुसंकर संकरण से क्या तात्पर्य है? आंसर, बहुसंकर संकरण वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभाविता के नियम को अप्रभावी लक्षण किस पीढ़ी में प्रकट होते हैं? प्रभाविता के नियम के अप्रभावी लक्षण किस पीढ़ी में प्रकट होते हैं? आंसर, अप्रभावी लक्षण F2PD में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? आंसर, जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल के आनुवंशिकता नियमों का महत्व बताइए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का महत्व बताइए। आंसर, मेंडल के नियमों की सहायता से उन्नत व संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है। इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन कोमा अधिक अनुकूलता कोमा रोधक क्षमता आदि गुण पाए जाते हैं। नंबर 3, प्रजनन विज्ञान में मेंडल के नियमों का बड़ा योगदान है। नंबर 4, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों द्वारा असाध्य रोगों की पहचान
करने व उपचार करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभाविता व अप्रभाविता के अंतर बताइए। प्रभाविता व अप्रभाविता के अंतर निम्न है। पहला है, वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करती है, वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करती है प्रभावी कहलाती है। जबकि अप्रभावी में क्या होता है, वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी की उपस्थिति में छुप जाते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। नंबर 2, प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण प्रभावी कहलाते हैं अप्रभाविता। ये द्वितीय संतति पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। ये द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में प्रदर्शित होते हैं, इन्हें अप्रभावी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है एक संकर संकरण, दूसरा द्विसंकर संकरण, तीसरा त्रिसंकर संकरण, चौथा बहुसंकर संकरण। आंसर, एक संकर संकरण, वह संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। बात करते हैं द्विसंकर संकरण की, वह संकर संकरण जिसमें दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। नेक्स्ट, त्रिसंकर संकरण, वह संकर संकरण जिसमें तीन लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। नंबर 4, बहुसंकर संकरण, वह संकर संकरण जिसमें बहुत सारे लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।